लॉकडाउन शुरू हो गया और उसकी सरकार 20 दिनों के अंदर गिरने वाली, क्या कहेंगे? इधर शरद पवार बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी का कुछ सच नहीं है, हम अभी एक साथ हैं लेकिन चुनाव में एक साथ रहेंगे क्या नहीं रहेंगे इसका पता नहीं है। और इसके लिए संजय राउत ये आजकल कंपाउंडर से भी दवाइयाँ लेता नहीं है, और इसके लिए संजय राउत रोज़ उठकर कुछ न कुछ बात करता है, उसका कोई मतलब नहीं है। उनको बोलो वो बोल रहे थे फेब्रुवरी में सरकार गिरने वाली है, उसके बाद बोले मार्च में गिरने वाली है, उसके बाद बोले अप्रैल में गिरने वाली है। और इसके लिए संजय राउत को रोज टीवी पर आने के लिए ऐसी एक फालतू बयानबाजी वो करते हैं, इससे ज़्यादा उसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। सर 1 मई को महाविकास आघाड़ी की ऐतिहासिक रैली होने वाली है, सर उनका कहना है? मैंने शुरुआत में बोला शरद पवार जी ने कल ही बोल दिया महाविकास आघाड़ी करके हम एक साथ है, लेकिन चुनाव में एक रहेंगे कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं, तो काय की वज्र मूठ है, ये तो खाली मूठ है। कर्नाटक में कांग्रेस के सामने एनसीपी लड़ रही है और इधर वो बोल रहे हैं कि हमारा समझौता है, और इसके लिए एक जगह पे कुश्ती, एक जगह पे साथ साथ, ये ऐसा धंधा लोगों को समझता है, और इसके लिए सब फालतू की बातें हैं। ना वज्रमूठ है, ना महाविकास आघाड़ी है, ये कोई आघाड़ी फिगाड़ी नहीं है, इनको कोई राजनीतिक भविष्य बचा नहीं है, इसके लिए इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं।